नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजीव यादव। इस समय हम मौजूद हैं अशोक नगर की कृषि उपज मंडी में और हमारे साथ गेहूं के फेमस व्यापारी पारस जैन जी हैं। उनसे जानेंगे कि मंडी में इस समय गेहूं की कितनी आवक हो रही है और क्या दाम है। साथ ही आपको बताएंगे कि आगामी भविष्य में गेहूँ के क्या दाम रहने वाले हैं। पहले तो पारस जी, आपका मार्केट टाइम्स टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और इस समय मंडी में गेहूं की कितनी आवक हो रही है? मंडी में गेहूं की आवक हो रही है 10 से 15 बोरी के लगभग हो रही है। हाँ, तो कौन कौन सा गेहूं आ रहा है? यहाँ शरबती सबसे ज़्यादा आता है। अच्छा। 15 से 22 और शरबती ज़्यादा गेहूँ आता है। शरबती कितना आ रहा होगा? शरबती करीबन आ रहा है 8 से 10 हज़ार बोरी के लगभग शरबती आ रहा है। अच्छा, इसके दाम क्या चल रहे हैं? इसके दाम चल रहे हैं 3500 लेके 4500 रुपये। 1000 रुपये का न्यूनतम और अधिकतम में डिफरेंस है। ये 15 वैसे मिड क्वालिटी बिक रही है 2200-2250 रुपये, 15 से 22 बिक रहा है 24 से लेकर 2800 रुपये तक। नहीं, जो शरबती गेहूँ है उसका अधिकतम दाम न्यूनतम और अधिकतम क्या? न्यूनतम में 3300 रुपये, ऊपर में 4200-4300 रुपये। अच्छा, मतलब 1000 के डिफरेंस। 1000 के डिफरेंस। अच्छा, इसमें कोई कैसा फर्क रहता है? जो इसमें ये क्वालिटी का फर्क रहता है, दाने का फर्क रहता है। जो अच्छी क्वालिटी का जाता है उसमें क्या रहता है? उसमें वजनदार माल रहता है, माल क्वालिटी अच्छी रहती है मतलब। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो इस समय जो आवक हो रही है, हाँ, आगामी समय में क्या लगता है आपको, किस तरह से गेहूं की आवक होगी? आवक कम हो जाएगी आगामी समय, आने वाले समय में। अच्छा, हाँ। इसके दाम आगामी समय में किस तरह से रहने वाले हैं? देखो, जो शरबती बिक रही है ये 3500 लेकर 4500 के बीच में बिकेगी। अच्छा, हाँ। मतलब कोई बढ़ने घटने की? नहीं, ये भाव शरबती में ये बाजार चलेंगे, यही चलने वाले। और जो और क्वालिटी रहती है 15-44, इनमें क्या है 100-200 रुपये बनने के चांस है। हल्के जो हल्के माल है उनमें बाजार बढ़ जाएंगे, वरना शरबती में तो बाजार जी चलेंगे। लोकवन क्वालिटी के क्या दाम रहेंगे अधिकतम? यहाँ तो लोकवन तो आता नहीं है, लेकिन 15-44 ज़्यादा आती है। तो 15-44 बढ़िया माल 28 से लेकर 3000 रुपये बिकेंगे आने वाले समय में। अच्छा, हाँ। तो उसकी कुछ बढ़ने की उम्मीद है? कुछ इसके दाम बढ़ नहीं बढ़े आएंगे ना, 300-300 रुपये बढ़े आएंगे ना। अभी 24 से 26-27 रुपये बिक रहा है। हाँ। जो 27 बिक रहा है वो 3000 रुपये बिकने लगेगा। कौन से समय तक बढ़ सकते हैं ये भैया? जून के बाद तेजी आएगी, जुलाई मतलब दीपावली के लगभग तेजी आएगी इसमें। अच्छा, हाँ। इसकी उस समय कितनी आवक का अनुमान है, कितनी आ सकती है? देखो, उस समय से उसकी आवक देगी 1500 से 2000 बोरी के लगभग आएगी, मतलब आवक पूरी टोटल। अच्छा, हाँ। इस बार क्या वजह है शरबती गेहूँ के दाम कुछ ऊपर नीचे नहीं? बाजार जी 12 महीने शरबती के बाजार जी चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पे शरबती की समय काफी आवक हो रही है। अच्छा, इस बार किसानों के पास इसका उत्पादन कैसा हुआ है, किस तरह से? नहीं, ठीक हुआ उत्पादन, फसल बढ़िया निकल रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, माल भी बढ़िया आ रहा है, आवक भी अच्छी आ रही है। हाँ। हाँ। और एक ये जो जैसे 15-44 है वो समर्थन मूल्य से कुछ इसका असर? नहीं, समर्थन मूल्य से ऊपर बिकता है 15-44। हाँ। जो 322 है ना, हाँ, वो जरूर समर्थन मूल्य से कम बिकता है। 22, 22.5, 23, 23.5। अभी भी वो अच्छा बिक रहा है, 23.5, 24 रुपये बिक रहा है। अच्छा, 322 समर्थन मूल्य पे किसान इसे नहीं बेच रहे हैं? नहीं, जब मंडी में अच्छा भाव मिल रहा है तो समर्थन मूल्य पे कौन जाएगा तोड़ाने के लिए? अच्छा, हाँ। जब 2400 रुपये मंडी बिक रही है, समर्थन मूल्य पे कौन जाएगा तोड़ाने के लिए? कोई नहीं जाएगा। हाँ। बारिश के मौसम में क्या स्थिति रहेगी? बारिश के मौसम में 2-2, 2.5, 2.5 रुपये बाजार टाइट हो जाएंगे। अच्छा, हाँ। दोनों गेहूं की सब पूरे जितने भी है ना, सबके 2-2, 2.5, 2.5 रुपये बाजार टाइट हो जाएंगे। अभी जो इस समय मंडी में बम्पर आवक हो रही है, हाँ, कितनी कम होगी? अभी इससे आधी हो जाएगी भैया। कौन से समय तक रहेगी ये? 15 जून के बाद कम हो जाएगी। 15 जून के बाद, हाँ, यानी अभी कुछ समय और आना है। अभी 1 महीना ऐसी आवक चलेगी। बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।